अब इंडिया में यदि आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करेंगे तो अब आपका TDS कट सकता है। इसके लिए बजट 2019-20 में टैक्स प्रपोजल दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2019-20 प्रेजेंट किया है ऑन 5 जुलाई 2019, जिसमें के कहा गया है कि यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर कैश विड्रॉ करेंगे तो TDS कटेगा। इसके लिए टैक्स प्रपोजल दिया गया है। बजट स्पीच में यह कहा गया कि बैंक से बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉ किया जाता है, इसलिए इन ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करने के लिए सरकार ने यह डिसाइड किया है कि जो भी व्यक्ति एक साल में अपने बैंक अकाउंट में से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करेगा उस पर 2% TDS कटेगा। लेकिन कुछ व्यक्तियों का बिजनेस मॉडल ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन बिजनेस को एग्जम्प्ट किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उन व्यक्तियों को नोटिफाई करेगी जिन्हें के यह प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा किया जाएगा। आइए सुनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में क्या कहा। सर, ऑन डिजिटल पेमेंट्स, our government has taken a number of initiatives in the recent past for the promotion of digital payments and less cash economy. To promote digital payments further, I propose to take a slew of measures to discourage the practice of making business payments in cash. To discourage the practice of making business payments in cash, I propose to levy TDS, tax deduction at source, of 2% on cash withdrawal exceeding 1 crore in a year from a bank account. I repeat this. To discourage the practice of making business payments in cash, I propose to levy TDS of 2% on cash withdrawal exceeding 1 crore in a year from a bank account. इसके लिए सरकार ने फाइनेंस बिल 2019 में क्लोज 46 दिया है, जिसमें के बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा इसके लिए, जिसे के सेक्शन 194N कहा जाएगा, जिसमें के ये लिखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि बैंकिंग कंपनी होगी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत है, एनी बैंक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट, या फिर यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बिजनेस और बैंकिंग में इन्वॉल्व है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है जो कि किसी व्यक्ति को अमाउंट पे करती है, या फिर एग्रीगेट अमाउंट जो पे करती है कैश में वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में वह उस व्यक्ति का यानी कि रिसिपियंट का जिसने कि उसके पास अकाउंट मेंटेन किया हुआ है उसका TDS काटेगी 2% के हिसाब से। और ये TDS पेमेंट के टाइम पे काटा जाएगा, ये TDS उसी अमाउंट पे काटा जाएगा जो कि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि पेमेंट की जाती है गवर्नमेंट कंपनी को तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी, या फिर किसी बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो उससे भी ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी का यदि पेमेंट लेता है तो उससे भी यह प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है उससे भी यह प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं RBI ने, वो अप्लाई होंगी। इसके अलावा यदि कोई भी वाइट लेबल ATM मशीन ऑपरेटर है बैंकिंग कंपनी का, उसे पेमेंट की जाती है, उसे भी यह प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसे के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत RBI ने ऑथराइजेशन दी हुई है। इसके अलावा कोई भी और व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे ऑफिशियल गजट के द्वारा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सलाह मशवरा करने के बाद सरकार नोटिफाई करेगी, वह व्यक्ति या उन व्यक्तियों की जो क्लास है उसे सरकार इस प्रोविज़न से एग्जम्पशन दे सकती है। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोविज़न किस दिन से लागू होगी। इसके लिए क्लोज 46 में ही बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो सेक्शन 194N इंसर्ट किया जाएगा
वह 1 सितंबर 2019 से इफेक्टिव किया जाएगा। यहाँ पे जो ऑफिशियल मेमोरेंडम दिया गया है बजट के साथ, उसमें बताया गया है कि ये प्रोविज़न क्यों लेके आई गई है, यानी कि कैश विड्रॉल पर TDS क्यों काटा जाना चाहिए। इसके बारे में सरकार ने बताया है कि कैश ट्रांजैक्शन को इंडिया में डिस्करेज करना चाहती है सरकार और इंडिया में लेस कैश इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहती है, इसलिए नए सेक्शन 194N को इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किया गया है, ताकि यदि कैश पेमेंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जाती है इन एग्रीगेट, तो उस केस में 2% TDS अमाउंट काटा जा सके। बैंकिंग कंपनी के द्वारा यदि पेमेंट की जाती है, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो उस अकाउंट से जो कि इनके पास मेंटेन किया जाता है, यानी कि बैंकिंग कंपनी के पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास या फिर पोस्ट ऑफिस के पास है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने कहा है कि सरकार कुछ रिसिपिएंट को इस प्रोविज़न से एग्जम्प्ट करना चाहती है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैश में डील करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स। इसके अलावा सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यह पावर दी गई है कि वो किसी और रिसिपिएंट को भी नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करेगी। और ये जो अमेंडमेंट है वो 1 सितंबर 2019 से लागू की जाएगी। इस प्रकार यदि आप फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच को देखते हैं, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यदि बिजनेस पेमेंट कोई व्यक्ति करता है, तो उसी केस में ही यदि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का विड्रॉल हो जाता है, कैश विड्रॉल, तो उस केस में ही 2% TDS काटा जाएगा, क्योंकि सरकार बिजनेस पेमेंट को कैश में यदि कोई व्यक्ति करता है तो इसे डिस्करेज करना चाहती है। लेकिन जब आप सेक्शन 194N को देखते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस पेमेंट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा गया है, बल्कि यदि कोई भी व्यक्ति कैश विड्रॉ करेगा बैंक से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा, तो जितना भी अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगा उसके ऊपर TDS काटा जाएगा, बैंकिंग कंपनी के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इस प्रकार यदि आप सेक्शन 194N को देखते हैं, तो उसमें वर्ड लिखा गया है टू एनी पर्सन, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश निकालता है बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो उसका TDS कटेगा 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जितना भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 2%। इस प्रकार भले ही वो व्यक्ति इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, HUF हो, उसका TDS कटेगा। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 दिया गया है, जहाँ पे कि सब सेक्शन 31 के अंतर्गत पर्सन का मतलब बताया गया है। यहाँ पे पर्सन में इंक्लूड किया गया है कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। इस प्रकार सभी प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। यदि ये व्यक्ति 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश अब बैंक से निकालेंगे, तो उन्हें TDS जो है वो कटवाना होगा अपने अमाउंट पर, जो अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भले ही आप अमाउंट एक साथ 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा निकाल लें, या फिर एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाता है कैश का जो विड्रॉल आप करेंगे, तो उस केस में 2% TDS कटेगा। मान लीजिए आप 10-10 लाख रुपये की 10 ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो अमाउंट 1 करोड़ रुपया हो जाता है। यदि उसके बाद आप जो भी अमाउंट निकालेंगे, तो उसके ऊपर 2% TDS कटेगा। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया गया है, यानी कि एक साल में आप यदि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं कैश में बैंक से, तो 2% TDS कटेगा। लेकिन मान लीजिए आप फाइनेंशियल 2019-20 में 90 लाख रुपया निकालते हैं, और फाइनेंशियल 2020-21 में फिर से आप 90 लाख रुपया निकालते हैं, तो दोनों ही ईयर में कोई TDS नहीं कटेगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉल की लिमिट देखी जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेक्शन 194N सरकार ने 1 सितंबर 2019 से इफेक्टिव किया है। इस प्रकार आपको देखना है कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 सितंबर 2019 से पहले ही 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया है, तो यदि वो 1 सितंबर 2019 के बाद कोई और अमाउंट अपने बैंक से कैश में विड्रॉ करेगा, तो क्या उसका हर अमाउंट जो वो विड्रॉ करेगा उसके ऊपर 2% TDS कटेगा? इसके बारे में सरकार को क्लैरिफिकेशन इशू करनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेक्शन 194N के अंतर्गत वर्ड इन कैश यूज़ किया गया है, यानी कि यदि कैश विड्रॉल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो ही सेक्शन के अंतर्गत TDS कटेगा 1 सितंबर 2019 से।
लेकिन यदि आप पेमेंट चेक के द्वारा करते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट के द्वारा करते हैं या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं, भले ही आप जो कि जो पेमेंट है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत TDS नहीं कटेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 194N इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TDS का सेक्शन है, यानी कि जब व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, यदि उसका कोई टैक्स पेबल नहीं आ रहा है तो वह इस अमाउंट का रिफंड क्लेम कर सकता है, और यदि उसका टैक्स पेबल आ रहा है तो उस केस में वो अपने टैक्स से इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में उसका जो टैक्स है वो तो ब्लॉक हो ही जाएगा TDS, क्योंकि जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नेक्स्ट ईयर में फाइल करेगा तो उस वक्त तक उसे वेट करना पड़ेगा। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।